मिस्टर इनवर्सिया 2023 इस दोस्तों ये कहानी है फ्रेसिया की। फ्रेसिया थीम है इनवर्सिया 2023 की और इनवर्सिया एनुअल फंक्शन है हमारे इनवर्टिस यूनिवर्सिटी का। तो दोस्तों आप हैं इनवर्टिस यूनिवर्सिटी में और हम जा रहे हैं एंजॉय करने इनवर्सिया का पहला दिन। तो दोस्तों इस छोटे से ब्लॉग में आप इनवर्सिया के पहले दिन की पूरी झलक देख पाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और ये रास्ता है गर्ल्स हॉस्टल के बगल वाला जो कि जा रहा है यूपी ब्लॉक, और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बढ़िया सजावट की गई है और रात में और अच्छा दिखेगा। अभी भीड़ इधर से उधर ही हो रही। और अब मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ के जानी मानी हस्ती शुक्ला सर जो कि अब रिंग गेम खेलने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे ये जीतते हैं। सर चॉकलेट जीत गए। अरे सर क्या है? अरे सर ये सेटमेंट जेल बालों में लगाते हैं। ये फोटो खींचो भाई साहब किसी के अंदर डरे की बाहर जाऊंगा। तालियां बजाओ तालियां। अरे तेरे सर एक और निकाल लिया। और सब जानते हैं कांग्रेचुलेशंस सर। अब मैं आपको ले चलता हूँ सर्कल गेम में। यहाँ पे एक अवार्ड रखा गया है जो कि एक स्पीकर है बोट का, और यहाँ पे जो लास्ट तक टिका रहेगा इस सर्कल में वही जीतेगा। तो देखते हैं कौन लास्ट तक बना रहता है। ये कुछ लोगों से जानते हैं वो इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। भाई सरदार को कैसा लग रहा है? अच्छा बंटी जा रहे हो? प्रिंस भाई आपको क्या लग रहा है इस समय, कैसा लग रहा है? तुम ही जीतोगे, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? ऑल द बेस्ट गाइस। तो गाइज इस वक्त मैं गूंज इवेंट में आ चुका हूँ। यहाँ पे एक बार फिर से शुक्ला सर का सामना हुआ मेरा। आइए सुनते हैं उन्हें। या तो जी सुनिएगा। अरे अभी कम सी हो नादा हो कहीं तुम हो दो कि दिल में क्या समझ में आ रहा है क्या जतिन के लिए है। अभी कम सी हो नादा हो कहीं तुम हो दो कि तुम दिल में ना। अरे तुम्हारे लिए ही रखा है तुम ले लेना जमा दो। दूसरा शेर में बता के चला जा रहा हूँ। बांध वहाँ बुलबुल न छोड़े चाहे हर फसाना छोड़ दे। बांध वहाँ बुलबुल न छोड़े चाहे हर फसाना छोड़ दे। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चाहे हर जमाना। जिस तरह नाव को पतवार की जरूरत है वैसे ही हमको तेरे प्यार की जरूरत है। याद करते ही छलक जाती है आंखें बादल। याद करते ही छलक जाती है आंखें बादल। ऐसी तन्हाई में झनकार की जरूरत है। और पुकारा पुकारा नाम लेके फिर कहा है दोस्त मुझे। पुकारा नाम लेके फिर कहा है दोस्त मुझे। यार तुम दोस्त का मतलब तो समझती हो ना। जींस
लड़की पसंद आ रही दिलों जहां से चाहती है मुझे जो लड़की नहीं है सैकड़ों ऐसी है बस दो लड़की और इश्क जिंदा है किसी गैर का भी हो करके तो कैसे कह दूं कि यार बेवफा है वो लड़की। आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा, क्या तुम मेरा वेट करोगी? और ये क्या तुम इतनी पागल हो क्या? उस ढोंचू को डेट करोगी? चार दिनों से बात नहीं की ऐसे कैसे हेट करोगी? झूमने खुशियों में हो करके यूं निहाल चले, हाय नए साल में कोई साथ नहीं ताल चले, हाय नए साल में कोई साथ नहीं ताल चले। खूब मस्ती करेंगे दिल से रहेंगे रोटिंग, नैना मंदिर में घूम संग करेंगे हम बोटिंग, दिने अपना चलो यू करने भी खुशहाल चले। हाय नए साल में कोई साथ नहीं ताल चले चले, बर्फ दिल पे गिरेगी उसमें साथ खेलेंगे। और हर किसी की चाहत होती है एक सेल्फी की, कि बर्फ दिल पे गिरेगी उसमें साथ खेलेंगे, रख कांधे पे हाथ एक सेल्फी ले लेंगे, सीधी सीधी ही काहे तेरी मेरी चाल चले। हाय नए साल में कोई साथ नहीं ताल चले, अब सुनिए चलिए आपके मतलब की बात करता हूँ कि कुछ लोगों को खूबी जिंदा रखती है, कुछ लोगों को हॉबी जिंदा रखती है, कि कुछ लोगों को खूबी जिंदा रखती है, कुछ लोगों को हॉबी जिंदा रखती है, और एक लड़की से धोखा खाए लड़के को फिर से कोई लड़की जिंदा रखती है। सब जीता किए मुझसे, मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। थैंक यू वेरी मच। थैंक। और इसी गूंज इवेंट में मुझे स्टैंड अप कॉमेडी रनर अप का अवार्ड भी मिला। आइए अपनी कॉमेडी की एक झलक आपको दिखाता हूँ। विवाह का एक दृश्य याद आ रहा है। कई बार हम शादियों में गए रहते हैं और प्लेट में अपना खाना लेके कोने में आराम से खा ही रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें दिमाग में आता है कि हमें ये सब कोई दे, कोई डिस्टर्ब ना कर दे, ताकि हम आराम से खा पाए, पार्टी का मजा ले पाए। लेकिन उसी वक्त वीडियो कैमरे वाले को पता चलता है कि आप घर के कोई खास व्यक्ति हो, तो सबको छोड़ता हुआ आपको कवर करने के लिए वीडियो कैमरा लेके आके प्लेट में घुस जाता है। कई बार तो पता ही नहीं चलता वीडियो शूट कर रहा है डरा रहा है। आप सबसे ज्यादा स्थिति तब खराब होती है शादी में जब लाइट चली जाती है, जनरेटर नहीं किया हो, तो उस वक्त सबसे ज्यादा इंसल्ट फील होती है दुल्हन की बहन को। जी पापा कितना गंदा कर दिया, पूरा मेकअप वेकअप करा के आई थी, फेशियल किया था, आईब्रो भी बनवाया था, गंदा कर दिया, पापा ने बोला था जनरेटर कर लेना, बोले पत्ती नहीं आई, पत्ती चली गई, पूरी बेइज्जती करा ली। मैं कहना क्योंकि मैं निशा शादी में कितना नाची थी, रील बनाई थी, यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, कोई तरह की लाइन नहीं बांट पा रहा है, मैं सब गंदा कर दिया, पापा ने सब बर्बाद कर दिया।
अब लाइट गई हुई है तो यहाँ पे आना चाहिए कुछ लोगों को मदद करने के लिए, तब भी यहाँ पे नेतागिरी देखिए कैसे कैसे करेक्टर है, ये करेक्टर लड़की मामा ऐसे घूम रहे। हाँ इनके यहाँ लाइट गई है, दूसरों के यहाँ जाते हैं बहुत कमी निकालते हैं कि खाने में नमक कम है, चोड़ी नहीं सही है, टेंट नहीं सही लगा है, आज कल टीवी नहीं देखो। एक दूसरे करेक्टर देखो, हम जनरेटर ला खड़ा करके 10, लेकिन हमसे कोई कहा नहीं करेगा, अभी खड़ा कर दे, कोई कहेगा नहीं करेंगे, करेगा तभी कहेंगे, नेता बन के आगे बढ़कर नेता बनेंगे, आपको नेता बन लोग नेतागिरी कर रहे हैं, हम करेंगे नहीं, वो बोलता है। अब होते होते सुबह हो गई, सुबह विदाई का माहौल है, लड़की की माँ दूल्हे को भी समझा रही, बरातियों को भी देख रही, और भी ये सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं है, बस भैया जो बन पड़ा हमसे किए, अब लड़की है सब शिक्षा संस्कार दिए, आज तक अब हमारी कट गई तुम्हारी कटेगी, बस भैया जो बन पड़ा। कुट्टू समोसा से जाओ बरातियों को, भैया रास्ता में पंखा कौन लग गया, हाथ करने लग गया भैया, हाँ हाँ समोसा पहुंचवा दो बरातियों को, फिर स्कूटर हटाओ ना, इधर गिर रहे बच्चे लोग, और भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं है, बस भैया जो बन पढ़ के आज तक अपने लड़की सब शिक्षा संस्कार दिए हैं, आज तक बाजार तक अकेली नहीं गई, जब भी गई है चार छह लोग साथ गई। तो भैया अब हो गई है रात और हम लोग जा रहे हैं यूबी ब्लॉक के ग्राउंड में, क्योंकि वहीं पर मिस्टर और मिस यूनिवर्सिया वाला प्रोग्राम होना है। तो ये रात का नज़ारा है और ये है गर्ल्स हॉस्टल के बगल वाला रास्ता, यहाँ से हम लड़कियों के साथ जा रहे हैं और वहाँ देखते हैं क्या होता है। ये देखिए गाइस, यहाँ एक क्लास की सुंदरियाँ, गाइज ये मेरी क्लास की दो लड़कियां हैं गीतिका और प्रीति, हमारे साथ ही जा रही हैं यूवी ब्लॉक तक और हम लोग रास्ते का एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आप देख सकते हैं कितना टिमटिमा रहा, तारों का शहर लग रहा है ये हमारी यूनिवर्सिटी, रात में कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं, और सारे रास्ते में ऐसी सजावटें हुई हैं और अब यही गाना गाने का मन कर रहा है, चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में। तो गाइस सारी रात इसी तरह हम इंजॉय करने वाले हैं और ब्लॉग को देखते रहिए, अभी वहाँ चल के डांस भी करना है और देखना है कौन बनता है मिस्टर और मिस यूनिवर्सिया। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं यूबी ब्लॉक के ग्राउंड में और यहाँ देखिए सजावट कुछ इस प्रकार है और ऊपर हमारी चंद्रमा, ये रही चंद्रमा जी और ये कैसी दिख रही हैं, चमचमा रही हैं, और इस मून लाइट में ही हमारा यहाँ पे स्टेज सजा हुआ है, सामने यहीं पर होगा अभी मिस्टर और मिस यूनिवर्सिया का प्रोग्राम, और चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है, आपको अगर भूख लगती है तो यहाँ पे खा सकते हैं, यहाँ पे टोकन लेके। और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी कि यहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स दी गई हैं हमें, इतनी भीड़ में अगर हमें यहाँ 3-4 घंटे खड़े होना पड़ता तो पैर में दर्द हो जाता है, इसलिए चेयर वाली व्यवस्था अच्छी लगी। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा भीड़ यहाँ पे जमा हो चुकी है, सभी बच्चे ही हैं, बाहर का कोई नहीं है, और देख सकते हैं पूरा यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड लबालब भरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरी अगली पेशकश मेरी प्यारी ऑडियंस के लिए, इतनी हवा में ठंड में भी यहाँ परफॉर्म कर रहे थे,
इस मिस्टर एंड मिस यूनिवर्सिया टाइटल के लिए, पर आप ताली नहीं बजा पा रहे थे, तो एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। उनको लगना चाहिए कि हाँ हमारे साथी सामने बैठे हैं। ऑल फॉर द ऑल कंटेस्टेंट्स 24। सो दिस इज द टाइम फॉर अनाउंसमेंट ऑफ रनर अप बॉय मिस्टर यूनिवर्सिया 2023 रनर अप। सो एनी गैसेस फॉर रनर अप नीलेश। लंबा वाला कई सारे हैं। वंश क्यों वंश को तो रनर अप बना रहे हो, विनर बना रहे हो? रनर अप आयुष अग्रवाल कौन है भाई? वंश कौन है? आयुष सिंगला तो खुद है, क्या बात है। चलो इसका मतलब मुझे लग रहा है कुछ लोगों का आंसर थोड़ा थोड़ा ठीक आ रहा है। सो मिस्टर यूनिवर्सिया 2013 रनर अप बॉय इज वंश अग्रवाल। सो रनर अप गर्ल नाउ मिस यूनिवर्सिया 2023 रनर अप गर्ल। गरिमा करिश्मा आवाज नहीं निकल पा रही। ओके मिस यूनिवर्सिया 2023 रनर अप गर्ल इज जसपिंदर कौर। बड़ा कर रहा काम है अनाउंस करना। आई डोंट नो हु इज दीपक। दीपक के दोस्त ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ। दीपक पूछेगा नहीं, और किसी का नाम भी बता दो यार, और किसी का नाम ही नहीं है। चलो पब्लिक की डिमांड पर मैं तो मान सकता हूं, लेकिन जजेस कैसे मानेंगे? कैलकुलेशन चेक कर लूं कुछ गलत तो नहीं हो गई है। हार्ड लक बॉयज लेकिन मोस्ट पॉपुलर बना देंगे। देखिए इट्स डिपेंड्स ऑन द स्कोर बेसिकली। सो मिस्टर यूनिवर्सिया 2023 इज दीपक के लिए एक अलग से गिफ्ट दे दिया मैंने। सो मिस्टर यूनिवर्सिया 2023 इज आयुष अग्रवाल। So now it's time for Miss Universia 2023. Miss Universia, बोले आप तो कैसी बेकार होंगे सारे।
श्वेता नहीं करिश्मा नहीं गरिमा गरिमा तो एंकर थी शायद छह नंबर अच्छा हाँ नंबर से ठीक रहेगा छह नंबर पांच नंबर चार नंबर पांच नंबर हाँ हाँ वही 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 ठीक बात है लग रहा है सही सही बता रहे हो आप लोग बहुत मेहनत की है तो मिस यूनिवर्सिया 2023 इज श्वेता शाम गजब की तो थैंक यू सो मच गाइज, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरह के ब्लॉग आते रहते हैं।